नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, या आप लंबे समय से हेल्थ की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, या फिर आप सिर्फ अपने फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को ही ठीक नहीं करना चाहते, बल्कि ब्रह्मांड के ऊर्जा की मदद से आप अपने लाइफ के सारे आयाम को, चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो, बेहतर करना चाहते हैं। जी हाँ मित्रों, ये तकनीक है होपोनोपोनो प्रेयर। और कैसे ये काम करती है और कैसे ये ना सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपके पूरे जीवन को हील कर देती है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे हम इसे अपनी लाइफ में आजमा सकते हैं। मित्रों, ये कहानी है हवाई की। वहाँ पे एक मेंटल हॉस्पिटल था जहाँ की अत्यंत ही खतरनाक कैदियों को, जो कि मेंटल पेशेंट भी थे, वहाँ रखा जाता था। वहाँ का हालत ऐसा था कि वहाँ जो दीवार पे पेंटिंग होती थी ना, उसको भी वो लोग हटा देते थे, बिल्कुल बर्बाद कर देते थे। हर दिन वहाँ आपस में लड़ाइयाँ होती थीं और वो इतना डेंजरस था कि कोई नर्स या कोई डॉक्टर वहाँ दवाई डिलीवर करने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। जो वहाँ के स्टाफ होते थे ना, वो भी बार बार छुट्टियाँ लेते थे। वहीं पर अचानक ट्रांसफ़र होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लेन का। अब डॉक्टर लेन के पास एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ उन सारे कैदियों को, मेंटल पेशेंट्स को ठीक किया, बल्कि उन्होंने कभी उनको फिजिकली विजिट भी नहीं किया, ना उनको देखा, सिर्फ उनकी फाइल को देखकर, खुद पे काम करके, ब्रह्मांड की एनर्जी को चैनलाइज करके उन सारे मरीजों को ठीक कर दिया। और तो और, वो सब फ्री हो गए, हारमोनी में रहने लगे और हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट भी बदल गया। स्टाफ ने छुट्टियाँ लेनी बंद कर दी। आखिर उन्होंने कैसे किया? उन्हें एक प्रेयर पता थी और उन्हें कुछ सीक्रेट्स पता थे कि यूनिवर्स की एनर्जी, हमारी कॉन्शियसनेस आखिर कैसे काम करती है। और चाहे शरीर की बीमारी हो, मन की बीमारी हो, या कुछ भी हो, ये सब कुछ इसी का एक प्ले है। अगर हम इसे समझ जाए ना, तो हम कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, उसके बाद तो जैसे बाढ़ सी आ गई टेस्टिमोनियल्स की। किसी ने अपने माइग्रेन को ठीक कर लिया, किसी ने अपने रिलेटिव को ठीक कर दिया बिना उसे बताए, किसी ने अपनी फिजिकल मेंटल बीमारी को ठीक किया, तो किसी ने अपने जीवन को ठीक कर लिया। किसी का डाइवोर्स हो रहा था, उन्होंने अपने रिश्ते को हील कर लिया। किसी को जॉब नहीं मिल रही थी, उन्होंने उसे भी प्राप्त कर लिया। आखिर कैसे, ये सब हम आगे समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, साइंस हमेशा एविडेंस को मानता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हुए, क्या ये फेक है या सच में काम करता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस प्रेयर को, इसके साइंस को क्लिनिकली भी एक्सप्लेन किया है, जो कि आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। और मैं एक रिसर्च भी आपको कोट कर रहा हूँ। कुछ पेशेंट जो हमेशा परेशान रहते थे, टेंशन में थे और उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, 6 घंटे के लिए उनको होपोनोपोनो और ये सब स्पिरिचुअलिटी की कुछ बातें सिखाई गई। पहले भी रीडिंग ली गई और बाद में भी, और जब 6 घंटे के बाद वापस इनकी रीडिंग ली गई, तो देखा गया कि इन सब के बीपी में, सिस्टोलिक बीपी में जो ऊपर वाला होता है, 10 mm का डिक्रीज था, और डायस्टोलिक में 5 mm का, जो कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, स्टैटिस्टिकली भी सिग्निफिकेंट है। और उनके स्पिरिचुअलिटी का लेवल, सोच का लेवल, रिलैक्सेशन का लेवल काफ़ी बेहतर था। ये बातें बताती हैं कि कहीं ना कहीं विज्ञान आज स्पिरिचुअलिटी को नेग्लेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर, हमारी आत्मा में, इस ब्रह्मांड में, हमारी चेतना में ऐसी शक्तियां हैं जिसे कि अगर हम चैनलाइज करना सीख गए ना दोस्तों, तो ना सिर्फ अपने किसी भी बीमारी को, बल्कि जीवन के किसी भी आयाम को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो समझते हैं आखिर होपोनोपोनो कैसे काम करता है। पहला इसका प्रिंसिपल है रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंसान किसी चीज़ को नहीं बदल पाता ना, इसका कारण है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। आप अपने घर को साफ रखते हैं, लेकिन सड़क के कचरे से आपको कोई मतलब नहीं होता। इसका एक ही कारण है कि घर की जिम्मेदारी आप खुद पे लेते हैं और सड़क की सरकार के ऊपर डाल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं ना, जो भी आपके जीवन में कोई शारीरिक बीमारी है, मानसिक प्रॉब्लम है, जीवन में कुछ भी हो, तो अचानक से ना आपको एहसास होने लगता है कि मेरे अंदर वो भी शक्तियां हैं जिसके सहारे मैं इस परेशानी को ठीक कर सकता हूं। और दूसरी चीज़, जिम्मेदारी के एहसास के साथ ही आपके अंदर वो सारी शक्तियां ब्रह्मांड अपने आप पैदा करता है, जिसके सहारे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो होपोनोपोनो प्रेयर सबसे पहले हमें जिम्मेदारी का एहसास कराता है कि इस ब्रह्मांड में, मेरे शरीर में, या किसी के भी साथ अगर कुछ भी हो रहा हो ना, तो इसके लिए जिम्मेदार हम हैं।
और अगर जिम्मेदारी ये हमारी है तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ भी हैं कि ब्रह्मांड की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी हम बिल्कुल ठीक भी कर सकते हैं। ये है पॉइंट नंबर वन। दूसरा जो पॉइंट है वो है वननेस का एहसास। कई बार इसे बटरफ्लाई इफेक्ट से बताया गया, कई वैज्ञानिकों ने कहा कि हम सब एक मैट्रिक्स में रह रहे हैं। क्वांटम फील्ड की थ्योरी भी कहती है कि हम सब एक कनेक्टेड हैं। किसी ने कहा कि ब्रह्मांड सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बना है, तो हम सब एक पॉइंट पे थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या हम इसे एहसास करते हैं। ये प्रेयर हमें याद दिलाती है कि हम सचमुच एक हैं, और जब हम सचमुच एक हैं तो अगर मैंने अपने को हील कर लिया तो मैं पूरे विश्व को हील कर रहा हूं। इसीलिए उन्होंने खुद पे हीलिंग की, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि कहीं ना कहीं कोई थॉट, कोई विचार, कोई मेमोरी, कोई बैड पैटर्न मेरे अंदर है जिसके कारण कि ये मानसिक बीमारी या तो बढ़ रही है या पैदा हुई है। और अगर मैं अपने आप की हीलिंग करता हूँ, उस एनर्जी को अपने अंदर इवोक करता हूँ ना, तो वो भी उन पे ट्रांसफर होगा और इसके कारण उनकी भी हीलिंग हो जाएगी, और जो कि बिल्कुल सच है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने, आप सब पूछते हो ना कि अपने बेटे पे कैसे काम करें, किसी को कोई प्रॉब्लम है, अपने रिलेटिव हैं वो विलिंग नहीं है, तो आप इस प्रेयर के सहारे ऐसा कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, ब्रह्मांड की एनर्जी, इन कंसेप्ट को गहराई से समझना चाहते हैं, इसके ऊपर मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ 3 घंटे के अपने वर्कशॉप में, जहाँ कि मैं लाइव आकर आपको ये सारे कंसेप्ट ना सिर्फ सिखा रहा हूँगा बल्कि प्रैक्टिस भी करा रहा हूँगा। कमेंट बॉक्स में पिन करके और जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, वहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है। प्लीज़ वहाँ जाएं, वहाँ से मेरे इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वर्कशॉप की सारी डिटेल आपको भेज दी जाएगी उसी ग्रुप में। तीसरा पॉइंट जिसके सहारे की होपोनोपोनो काम करता है वो है हीलिंग। दोस्तों, हीलिंग और बीमारी में मैं पहले भी अंतर बता चुका हूँ क्वांटम हीलिंग के वीडियो में। मेडिकल साइंस बेसिकली जो काम करती है वो बीमारी को ठीक करना चाहती है, लेकिन जो हीलिंग मोडालिटीज होती हैं ना, वो इंसान को पूरी तरह से हील करना चाहती हैं। दरअसल दोस्तों, जो भी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं, वो हमारे इंटरनल गेम के कारण पैदा कर हो रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम टूटे हुए हैं, हम कमज़ोर हैं, और इसके कारण शरीर और मन में बाधाएं आती हैं। लेकिन जब आप हील करते हो अपने आप को, हीलिंग का अर्थ होता है उस मेमोरी को वापस पाना कि हम होल हैं, हम संपूर्ण हैं, हम परफेक्ट हैं, हम कंप्लीट हैं, और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और चूंकि हमारा आंतरिक विश्व ही हमारे बाहर की दुनिया को बनाता है, तो जैसे ही हम इस एहसास को, इस मेमोरी को वापस पा लेते हैं, ना सिर्फ शरीर एक होमियोस्टेसिस में चलाता है, हमारे शरीर के अंदर बैलेंस आ जाती है, हारमोनी आ जाती है। चूंकि होपोनोपोनो का मतलब है ब्रिंगिंग द हारमोनी, बैलेंस लाना शरीर में, मन में, जीवन में। और इस बैलेंस के साथ ही आपके जितने इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हार्मोनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। जो भी ग्लूकोज की डिसऑर्डर है, वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। जो ऊर्जा लगातार फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में, स्ट्रेस रेस्पॉन्स के कारण बर्बाद हो रही थी, वो अचानक से रुक जाती है, और ये ऊर्जा आपके शरीर के क्रिएटिव प्रोसेसेस को बल देने लगती है। शरीर में जहाँ कहीं भी डैमेज है, उसको रिपेयर करना शुरू कर देती है। और ये सब एक सिंपल थॉट से होता है कि आई एम होल। इसीलिए कहते हैं कि जीने का पर्पस, डॉक्टर लेन कहते थे, ये भी जानना है कि यू आर परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। जिसे आप रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो टूटा ही नहीं है और कभी टूट ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो सोल हैं। और चौथा पॉइंट है सबकॉन्शियस माइंड की क्लींजिंग। मित्रों, आप जिस चीज़ को जानते ही नहीं, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? मान लो पलंग के नीचे कोई कचरा पड़ा है और आपको पता ही नहीं, तो क्या आप उसकी सफाई कर पाएंगे? शायद नहीं। उसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे इंप्रेशंस हैं, इस जन्म के ही नहीं, पास्ट लाइफ के भी। किसी ने हमारे साथ कोई लड़ाई की, कभी हम असफल हुए, कोई विचार हमारे मन में आया, कोई भावना आई। हर दिन आज हम 70,000 विचार सोचते हैं, और इसमें से 95% बीमार विचार जो हैं वो नेगेटिव हैं, हमें बीमार करने वाले, हमें कमज़ोर करने वाले हैं। उसी तरह से हम बहुत सारी भावनाएँ दिन में अनुभव करते हैं, गुस्से की, नफरत की, जलन की, ईर्ष्या की। ये सारी भावनाएं भी हमारे शरीर और मन को तोड़ती हैं, हमारी जीवन ऊर्जा को नष्ट करती हैं। और मित्रों, इसका परिणाम होता है कि हम लगातार बीमार पड़ते जाते हैं। और चूंकि सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा है हम नहीं जानते। याद रखिएगा, कॉन्शियस माइंड एक साथ 7 प्लस माइनस 2, मतलब कि 5 से लेकर 9 चीज़ों की जानकारी रख सकता है।
11 तक रख सकता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कि जो विटाले बताते हैं कि एक सेकंड में इसमें 10 लाख या 1 करोड़ एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसका हम कंट्रोल रख ही नहीं सकते, कॉन्शियसली हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा पड़ा है, ये कचरा अगर मान लो किसी घर में आप रोज़ कचरा डालते हो तो क्या होगा, उससे बदबू आएगी। उसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा पड़ा है, इसकी जो बदबू है ना, वो माइग्रेन होता है, वो हेडेक होता है, वो लीवर की प्रॉब्लम होती है, वो हार्ट अटैक होता है, और वही हमारी शारीरिक बीमारी होती है, और साथ साथ चिंता, तनाव, वरी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ये भी होती है। मित्रों, कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कचरे को हटा देना तो आप कॉज को हटा देंगे, और जब आपने कॉज को हटा दिया जो आपको बीमार करता है, तो शरीर क्या, मन भी स्वस्थ रहेगा और आपकी जीवन ऊर्जा भी बढ़ेगी, आप तंदुरुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे और जीवन को आप जीना शुरू कर देंगे। तो ये होपोनोपोनो जो है इनर क्लींजिंग की तरह भी काम करती है, इनर फिनॉल या फिर इनर फिनाइल की तरह। अब दोस्तों थोड़ा ये समझ लेते हैं कि इस प्रेयर को कैसे प्रैक्टिस करना है शारीरिक हेल्थ के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए, या जीवन में अगर कोई भी चैलेंज है अगर आप उसे भी ठीक करना चाहते हैं तो इसके 4 चरण हैं। पहला है कि आई एम सॉरी, खुद से आप ब्रह्मांड को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। इसके पहले आप किसी एक चैलेंज को पिक करिए, उस चैलेंज पे अपने ध्यान को फोकस करना है। जिस चीज़ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन ना हो कभी आप उसे ठीक कर ही नहीं सकते। अगर जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ में है, कोई भी एक रीज़न आप चुन सकते हो, अपना या दूसरे का भी। पहले खुद का चुनो, फिर बाद में दूसरे की हीलिंग करना, और फिर उस पे अपने ध्यान को पूरी तरह से फोकस करिए। जब आपने एक बार वहाँ फोकस कर लिया तो आपके अंदर जो भावनाएँ आ रही हैं ना, जो इमोशंस आ रही हैं, उनको आने दें, और उसके बाद 4 फेज या 4 मंत्र हम रिपीट करते हैं। आई एम सॉरी जब आप कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को एड्रेस करके एक प्रेयर कह रहे हैं कि है ब्रह्मांड, मैं जानता हूँ कि मेरे लिए हर चीज़ संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज मैं अपने ईगो के माइंड की, जो लिमिटेड माइंड है, इसकी बातों को सुनना छोड़ के, इसके कैद से बाहर आके इन्फिनिटी जो कि मेरा सच्चा रूप है, इसको अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और उसे एड्रेस करके उसके साथ जुड़कर वननेस के साथ आप प्रे करते हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो भी आज मेरे साथ हुआ है, कहीं ना कहीं मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जैसे भी किया, लेकिन आज मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। और फिर आप कहते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। एक कोर्स इन मिरेकल्स कहता है ना दोस्तों कि जितनी भी बीमारियां हमारे अंदर होती हैं उसका एक ही कारण है कि या तो हमें माफ़ करने की ज़रूरत है किसी को, या फिर हमें माफ़ी की ज़रूरत है। और असली प्रेयर सिर्फ एक ही होती है जहां पे आप माफ़ी के लिए रिक्वेस्ट करते हो डिवाइन से, क्योंकि अपने जीवन के लिए आप ही जिम्मेदार हो, अपनी इमेच्योरिटी के सहारे या अपनी अनकॉन्शियसनेस के सहारे। तो आप रिपीट करते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, और उस फीलिंग को फील करते हैं जो कि आपके अंदर भी हो रहा है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, झेन मॉन्क्स कहते हैं कि फीलिंग ही हमारी प्रेयर है। ब्रह्मांड हमारे शब्दों को नहीं सुनता, हमारी भावनाओं को सुनता है। ब्रह्मांड हमारे माइंड में नहीं है, ब्रह्मांड हमारे हार्ट को पढ़ता है। तो आप फीलिंग लाने की कोशिश करें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। उसके बाद आप कहते हैं थैंक यू ब्रह्मांड, तुमने मुझे इतना कुछ दिया, इसके लिए शुक्राना, एंड आई लव यू, प्रेम। प्रेम की रोशनी दोस्तों एक ऐसा प्रकाश है ना, जो कि कितना भी अंधकार आपके जीवन में हो, रिश्तों के खटास के कारण, या फिर बीमारियों के कारण, या धन की कमी के कारण, उन सबको हील करने की क्षमता रखता है। प्रेम सबसे बड़ा हीलर है, इसलिए माँ के एक छोटे से हाथ से सहला देने से बच्चे का हेडेक दूर हो जाता है। इसलिए कोई बीमार बाप अगर है और सिर्फ उसका बेटा आ जा और कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये मैं फिलॉसफी नहीं कह रहा, बहुत सारे ऐसे बुक हैं, ऐसी रिसर्च हैं जो कि इस बात को साबित करती हैं। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव केमिकल कहा जाता है, ये अगर आपके बॉडी में बढ़ जाए तो अपने आप आपका कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन, जो स्ट्रेस केमिकल है, 95% बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, कम होने लगते हैं। और आप अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करते हैं इस प्रेयर से, दया की भावना उत्पन्न करते हैं, ग्रेटिट्यूड उत्पन्न करते हैं, जो कि बहुत ही हाई वाइब्रेशन है। और इसका इफेक्ट होता है कि ना सिर्फ आपकी बीमारियां खत्म होती हैं, ना सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, बल्कि जीवन के सारे आयाम बदलने लगते हैं। अचानक से आपका रुका हुआ पैसा आना शुरू हो जाता है, अचानक आपकी लगता है कि जैसे जीवन में कोई लॉटरी लग गई है,
आपके लाइफ में गुड विशेज, गुड लक का पैटर्न जो है आना शुरू हो जाता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उस चाबी से ब्रह्मांड के उस दरवाजे को खोल दिया जहां सारी एबंडेंस। और आप इस प्रेयर को रिपीट करते हैं बार बार पूरी भावनाओं के साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू, एक भाव के साथ, एक माद के साथ, एक बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ। और चूंकि आप हाई वाइब्रेशन से एक अच्छी तरंगे ब्रह्मांड को भेज रहे हैं, तो आप अंदर की क्लींजिंग भी कर रहे हैं, आप वननेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ब्रह्मांड के साथ जुड़ भी रहे हैं, हाई वोल्टेज के साथ, हाई एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं। और इसका परिणाम ये होता है, शरीर स्वच्छ हो जाता है, मन की स्वस्थता अपने आप आ जाती है और जीवन में एबंडेंस आना शुरू हो जाता है। और जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं ना, या जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं अभी, वो तो आपके पास आएगा ही, लेकिन जो ख्वाब या जो रीजंस या जो चीज़ें आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, हर डायमेंशन में, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, वो भी आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। मित्रों, अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा और वीडियो से आप इंस्पायर होते हैं, तो आपके कमेंट से मैं भी इंस्पायर होता हूँ। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने मुझे इंस्पायर करने का जो अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस ना करें। क्योंकि मित्रों, यही वो लेन देन है ना, जिसके कारण कि मैं बार बार वीडियो बनाता हूं। मित्रों, यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात लेता हूं आपसे विदा, और प्लीज ज्वाइन करें व्हाट्सएप ग्रुप को और मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन करें।